स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। आज हम बनाएंगे बथुए का रायता। टेस्टी होता है, बहुत यम्मी होता है और अच्छा होता है। ये बथुआ की लीस है जो बाजार से लेके आई हूँ मैं। इसको छोटे छोटे पीसेस में हम लोग काट लेंगे और डंठल मिट्टी वगैरह इसकी हटा देंगे और इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। कम से कम 2 बार पानी डालकर इसको वॉश करना है। अच्छे से इसकी सारी मिट्टी निकल जाए। इसको डुबो डुबो कर धोना चाहिए। देखो मैंने ये पत्तियाँ 2 बार धो ली हैं और उसके बाद एक बड़ा सा भगोना लेंगे जिसे हम इसको डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी बॉईल करने के लिए डालेंगे जिससे ये अच्छे से बॉईल हो जाए। इसको कवर कर देंगे और गैस को ऑन करेंगे। गैस फ्लेम मीडियम होनी चाहिए और इसको 10 मिनट के लिए पकाना है, बॉईल करना है। ये कटोरा दही है, कार्ड जो रात जमाई थी मैंने, वो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे बर्तन में और इसको ग्राइंड या हाथ से विस्क करेंगे, चलाएंगे स्टिर। देखो ये अच्छे से फैट गई है और एकदम मट्ठा छाछ की तरह बन गई है और ये कम से कम 10 मिनट चलाना है। इसको विश्क करना है, आप अच्छे से विश्क कर लीजिए और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसकी छाछ जो है थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है। इसको कुछ देर के लिए रख देंगे हम लोग। फिर हम बथुआ जो हमने उबाला है वो तैयार हो चुका है और देखिए आप एकदम बॉयल हो चुका है। बिल्कुल 10 मिनट पकाया है इसको और रख दिया है। इसको हम किसी और दूसरे बर्तन में छान लेंगे जिससे इसको पानी अलग हो जाए। टा कर देंगे इसको पानी से, बथुए को अलग कर देंगे। फिर इसको हम ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए रख देंगे। देखिए मैंने ये दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया और इसको फैला कर कुछ देर के लिए 10 मिनट, जब ये ठंडा हो जाए तक इसको ऐसे ही रख देंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी लहसुन की कली छील लेंगे जिससे इसे छौंक लगाना है हमें। इसको एक एक करके चाकू की सहायता से इसको इसका छिलका हटा देंगे और इसको इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। मैंने ये छील लिया है लहसुन गार्लिक। आप भी छौंक लगाते हैं लहसुन का तो बहुत ही टेस्ट आता है रायते के अंदर। सारे पीसेस मैंने अच्छे से छील लिए हैं, छिलके को हटा दिया है। देखिए आप सारी कलियों को अच्छे से छील लिया है और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, आप देख सकते हैं कि ये मैंने लहसुन को अलग कर लिया है और छिलके हटा दिए हैं। इसको बारीक बारीक चॉप करना है, छोटे छोटे पीसेस में। आप भी कर लीजिए ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस में चॉप। देखिए लहसुन को हमने अच्छे से काट लिया है, चॉप कर लिया है। धीरे धीरे सारी कलियों को ऐसे ही काट लेंगे, बारीक बारीक काट लेंगे जिससे हमारे लहसुन में अच्छा टेस्ट बने लहसुन का रायते के अंदर। अब हम एक मिर्ची लेंगे, ग्रीन चिली। इसको बारीक बारीक, ज़्यादा बारीक नहीं, थोड़ा सा मोटा मोटा भी काट सकते हैं। अब हमने
जो हमारा बथुआ ठंडा हो गया था वो ऑयल बथुआ, उसको इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे जार के अंदर और इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसको इसके अंदर अच्छे से दबा देंगे जिससे ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। इसको ढक्कन से ढक लेंगे और मिक्सी के जार पीस लेंगे इसको बारीक बारीक। इसमें एक ग्रीन चिली डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए एकदम स्मूथ बारीक हमारा जो लीव्स थी वो एकदम बारीक, इसके इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे कटोरे के अंदर और इसको थोड़ा सा देर के लिए ऐसे ही रख देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा रायता जो हमने छाछ को चलाया था, दही को 10 मिनट के लिए रख दिया था, वो इस तरह हो गया है और बबल्स हल्के से ऊपर आ गए हैं। इसको फिर से मिक्स कर लेंगे और जो बथुआ की लीव्स से हमने ग्राइंड की थी वो उसमें ट्रांसफर कर लेंगे, डाल देंगे। सभी को उसमें मिक्स कर लेंगे और विस्क कर लेंगे, चलाते रहेंगे जिससे ये सारा मिक्स हो जाए। और सारा कलर हमारा एकदम ग्रीन हो चुका है, सारा मिक्स हो चुका है। देख लेंगे कि कहीं कुछ रहने गया हो, इसलिए पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 स्पून साल्ट डालेंगे, 1/2 स्पून रेड चिली और ये कोरिएंडर है और ये रायता मसाला डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। थोड़े से चिली फ्लेक्स मोटा मोटा रायते के अंदर अच्छा लगता है, ऐड करके इसको चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और ये देखो कितना सुंदर कलर और खुशबू भी आने लगी है। ये मेरे लिए टेस्टी रायता तैयार है। इसमें थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। इसको चलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए और ये तैयार हो चुका है। इसको थोड़ी देर रख देंगे। अब हम एक कोयला लेंगे, उसको जला देंगे गैस के अंदर, उसमें सब थोड़ी सी बूंद तेल की डालेंगे जिसमें धुआं निकलने लगे इसका फॉग। और इसको कटोरे समेत छोटी सी बाउल ले लीजिए, उसमें ऐसे रख कर कवर्ड कर दीजिए 5 मिनट के लिए, जिससे इसका धुआं इस रायते के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम छौंक की तैयारी करेंगे। इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसमें 1 स्पून जीरा, 1/4 स्पून हींग डालेंगे। हींग का टेस्ट रायते के अंदर बहुत टेस्टी होता है। और जो हमने गार्लिक चॉप किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जिससे इसका कलर गोल्डन हो जाए, जिससे हमारे चौक में कलर भी अच्छा लगे और रायता भी टेस्टी हो जाए, खाने में भी टेस्ट आए। इसका लहसुन का थोड़ा क्रंची क्रंची होना चाहिए। इसको कॉल का धुआं ऑब्जर्व हो चुका है और हमने इसे निकाल दिया है और छौंक जो हमने तैयार किया था वो इसमें ऐड कर दिया है। टेस्टी रायता तैयार है। इंजॉय इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट कीजिए। थैंक यू।